प्रदेश भर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सरकार द्वारा कोई भी कदम न उठाने से आहत होकर अब बिलासपुर के एक समाजसेवी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्हें मलाल है कि सरकार ने आज तक आवारा और बेसहारा गौवंश के लिए केवल कागजों में ही खाना पूर्ति करके अपना काम निपटाया है, लेकिन वास्तविकता में गौवंश की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। समाजसेवी सुनील शर्मा ने अपने अनशन पर बैठने के बाद चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस विषय को गंभीरता से न लिया तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा। प्रदेश भर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सरकार द्वारा कोई कदम न उठाने से आहत होकर अब बिलासपुर के एक समाज सेवी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने मलाल जताया कि सरकार ने आज तक आवारा और बेसहारा गौवंश के लिए केवल कागजों में ही खाना पूर्ति करके अपना काम निपटाया है, लेकिन वास्तविकता में गौवंश की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। समाज सेवी सुनील शर्मा ने अपने अनशन पर बैठने के बाद चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस विषय को गंभीरता से न लिया तो आने वाले समय में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा। सुनील शर्मा का कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार के लोगों से मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कई सुझाव भी दिए, लेकिन उन पर आज तक कोई अमल भी नहीं किया गया। उन्होंने खेद जताया है कि सरकार ने जो गौशालाएं खोली है वो या तो खाली पड़ी है या उस पैसे का भी दुरुपयोग किया गया है। आपको बता दें कि आवारा बैलों की मारने से अभी तक अकेले बिलासपुर जिला में ही 8 मौतें हो चुकी हैं। वहीं बिलासपुर के युवा समाज से भी सुनील शर्मा पिछले कई वर्षों से अपना घरवार त्याग कर आवारा पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं। बगेड़ में उन्होंने एक छोटा सा अस्पताल भी अपने दम पर चला रखा है, जहां पर लोगों के सहयोग से वे घायल गौओं और बैलों का इलाज भी कर रहे हैं। सरकार की नाकामी से मजबूर होकर अब उन्होंने अनशन करने का यह कदम उठाया है। ये अनिश्चितकालीन अनशन हमने रखा है और ये अनशन हिमाचल सरकार जब तक गौवंश की स्थायी व्यवस्था की समय सीमा तय कर सार्वजनिक नहीं करती है तब तक ये अनशन जारी रहेगा। और ये हो सकता है कि हम इसे चक्का जाम की तरफ को भी परिवर्तित करूं, क्योंकि हमने पहले प्रेम से और अपने आप को भूखा रहकर अपने आप को तपा कर इन विकलांग बैलों और ये जो विशालकाय बैल हैं और किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये अनशन शुरू किया है। प्रेम से ये मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम जो है इसको उग्र आंदोलन के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। प्रदेश सरकार और सेंट्रल सरकार से भी क्या क्या मांगे की थी? मैंने लगभग हमने 12 साल से इनसे मुक्त गोवन का विषय भी हमने इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के दी थी और उसमें बड़े बड़े अधिकारियों ने आश्वासन भी दिए और आए भी हम मिले भी आपस में बातें भी हुई और उन्होंने आश्वासन भी दिए, लेकिन हिमाचल सरकार दावे करती रही लेकिन आज सड़कों को हम देखते हैं कि विशाल कई बैलों से भरी पड़ी हैं। कितने ही लोग इन विशाल कई बैलों के द्वारा मारे गए हैं, कितने ही गरीब किसानों की फसलें उजड़ गई हैं और लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो गौशालाएँ हिमाचल सरकार बना रही हैं वो अधिकांश गौशालाएँ खाली पड़ी हुई हैं और अगर चल भी रही हैं तो वो संवर्धन विषय के ऊपर काम कर रही हैं, ना कि सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले बैलों के ऊपर कोई काम हो रहा है।